नुआदिल्ली में भारतीय जनता पार्टी दुई दिनिया राष्ट्रीय अधिवेशन आगामी निर्वाचन पर कार्य खसड़ा प्रस्तुत हो राष्ट्रीय अधिवेशन में जोगदे प्रधानमंत्री मोदी समेत बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और बीजेपी बहु विशिष्ट नेता पहुंची राज्य बीजेपी नेतृवृंद भी दिल्ली में पहुंची अधिवेशन में आगामी साधारण निर्वाचन चूड़ांत रणनीति प्रस्तुत हो बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यह अधिवेशन को उद्घाटन करेंगे। अधिवेशन में समस्त राष्ट्रीय पदाधिकारी और कार्यकारिणी सदस्य राष्ट्रीय परिषद सदस्य सांसद विधायक पूर्वतन सांसद राज्य पदाधिकारी राज्य मोर्चार राज्य सभापति और साधारण संपादक समस्त प्रकोष्ठर राज्य संयोजक मैंने जोगदे का प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रीय अधिवेशन समापन कार्यक्रम में जोगदे अभिभाषण प्रदान करेंगे। तमाम जो राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं जो अलग अलग पद पे हैं बीजेपी के अलग अलग संगठनात्मक पदों पर हैं उन तमाम पदाधिकारियों की बैठक राजनाथ सिंह भी मंच पर मौजूद तो तमाम पदाधिकारी इस बैठक में मौजूद हैं और आज शाम को राष्ट्रीय अधिवेशन की शुरुआत होगी जिसमें कि निर्वाचन अभिवृत्त पूर्व ये जो जातीय अधिवेशन एक गुरुत्व बहन करुच्ची विशेषकर देशर विश्वर सर्वाधिक जनप्रिय नेता नरेन्द्र भाई मोदी आज जो कार्यक्रम रही निश्चित रूपे कार्यकर्ता को उत्साहित विशेषकर विकसित भारत पाई जो ये अमृत कालखंड जो कार्यक्रम सब सरकार ग्रहण कर सर्विसेस तथ्य मध्य ए जो भारतीय जनता पार्टी समग्र देशर बछा बछा कार्यकर्ता एटी उपस्थित अच्छा से आगे तार विषय रखा जीवो। आपकी बार 400 पार बस यही कथा को नहीं ए अधिवेशन एथर को 400 पार संसद रे एवं बीजेपी रो तीन चौथाई बहुमत सरकार हबो ओडिसा रे डबल इंजन रो सरकार हबो एथरे कौनसी दुईमत नहीं भारतीय जनता पार्टी पासंग रे पड़ा भली कौन सी राजनैतिक दल आज भारत रे कौन विश्व रे भी ना आम दल रे कार्यकर्ता ही नेता नेता ही कार्यकर्ता एटा प्रमाणित होची प्रधानमंत्री भी साधारण कार्यकर्ता संगे मिसी तांकु उद्बोधन दौंती मार्गदर्शन दौंती रणनीति सिखौंती जितिबार रोड मैप मध्य एठी प्रस्तुत होची कार्यकर्ता गहन रे प्रस्तुत होची। जदि आपणको आम वीडियोटी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।